हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग राजनीति से संबंधित सामान्य ज्ञान को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर 1925 को। आपका प्रश्न दूसरा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केशव बलिराम हेडगेवार। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1980। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1951। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, बताओ दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, इसका राइट आंसर आप लोग जानते हो दोस्तों, बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कमल। नेक्स्ट प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 2012। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ। इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव रामजी अम्बेडकर। आपका 10वां प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? मतलब न्यूनतम आयु क्या है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाई गई? योजना आयोग कब बनाई गई थी, तो इसमें से राइट आंसर क्या है, बताओ। इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना दिवस, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब बनाई गई? तो नीति आयोग कब बनाई गई थी, बताओ। इसमें से कौन सा आंसर होगा, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ, ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है, बताओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1999। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था, तो बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1942। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई, तो इसका राइट आंसर क्या है इसमें से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण। आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।